सीजी ट्यूटोरियल प्रेजेंट्स समय चक्र स्कूल टॉपर्स अवार्ड। स्कूल टॉपर्स अवार्ड के प्रायोजक हैं सेक्रेट स्किल अपोलो शिक्षा समिति, मां शारदा इंटरनेशनल एकेडमी। स्कूल टॉपर्स अवार्ड के सह प्रायोजक हैं डीपीएस किड्स, वर्मा क्लासेस, अरीना एनिमेशन, एमआईपीएस उज्जैन। नमस्कार। देवास के अपने सर्वप्रथम कैलेंडर समय चक्र द्वारा देवास के स्कूल टॉपर्स मिलवाने का हमारा यह प्रयास निरंतर जारी है। जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं कि यह एक संयुक्त प्रयास है जिसमें आप सभी का सहयोग हमें प्राप्त हुआ है, क्योंकि एकल प्रयास कभी सफल नहीं होते हैं। आज हम जिन स्कूल टॉपर्स से आपको मिलवाएंगे उनमें हैं विंध्याचल एकेडमी के बायो के टॉपर अनिकेत गौर, सरस्वती ज्ञानपीठ से दसवीं की स्कूल टॉपर अर्चना शर्मा तथा न्यू चिल्ड्रन होम्स की बायो टॉपर प्रिंसी पटेल। इन सभी स्कूल टॉपर्स के घर चलकर न केवल इन स्कूल टॉपर्स से वरन इनके परिजनों से भी आपको मिलवाएंगे, परंतु इस छोटे से अल्पविराम के पश्चात। जब सीबीएसई विद्यालयों के टॉपर्स की लिस्ट बनती है तो टॉपर्स में नाम आता है सीजी ट्यूटोरियल्स के विद्यार्थियों का। सर्वोच्च अंकों के साथ इस वर्ष भी आगे सीजी ट्यूटोरियल्स, सीबीएसई विद्यार्थियों का जंक्शन पॉइंट सीजी ट्यूटोरियल्स। वी डोंट टीच डिफरेंट, वी टीच डिफरेंटली। प्रतिदिन लेक्चर के साथ साथ प्रैक्टिस के पीरियड। सीजी ट्यूटोरियल्स में विद्यार्थियों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए एप्लीकेशन पार्ट पर विशेष जोर दिया जाता है। आधुनिक शिक्षा पद्धति अपनाते हुए विजुअल क्लासेस के साथ साथ मेंटल एबिलिटी क्लासेस का संचालन, विद्यार्थियों की बॉडी लैंग्वेज इम्प्रूवमेंट के लिए, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए सेमिनार्स का आयोजन, एजुकेशनल ट्रिप्स के माध्यम से जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस बढ़ाने का प्रयास। क्लास 9, 10th में फाउंडेशन क्लासेस, ओलंपियाड, परीक्षाओं की तैयारी के लिए उपयुक्त शैक्षणिक वातावरण। क्लास 11th, 12th में रेगुलर कोर्स के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए विशेष कक्षाएं संचालित की जाती हैं। मैनेजमेंट का पालकों से सीधा संपर्क रहता है। प्रतिदिन पढ़ाए गए पाठ्यक्रम की जानकारी SMS द्वारा दी जाती है। नियमित पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग, बेहतर भविष्य, सफल व्यक्तित्व का निर्माण स्थल सीजी ट्यूटोरियल्स। ISO 9001:2008 सर्टिफाइड सीजी ट्यूटोरियल नियर LNB क्लब, AB रोड, देवास। मोबाइल 9070469 47, फोन 0727242188। बच्चों की कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए सेक्रेट स्किल अपोलो शिक्षा समिति लाए हैं थर्ड आई एक्टिवेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम। वैज्ञानिक तकनीक के माध्यम से अब बच्चों की पांचों इंद्रियों के साथ जागृत होगी छठी इंद्री भी। बंद आंखों से बच्चों का रंगों को पहचानना, नंबर पहचानना, साइकिल चलाना, कैरम खेलना, सामने वाले व्यक्ति की स्थिति बताना, अंधेरे कमरे में पढ़ना, गारंटी के साथ अब बच्चों की एकाग्रता, विस्मरण शक्ति, रचनात्मक प्रवृत्ति बढ़ेगी। इसके साथ ही बच्चों की चिड़चिड़ाहट, जिद, शर्माना, झिझक में सकारात्मक परिवर्तन। निशुल्क DMIT टेस्ट से अपने बच्चों के जेनेटिक टैलेंट के बारे में जाने और उनके IQ, AQ, CQ के बारे में भी जाने। फ्री लाइव डेमो दोपहर 2 से 4 बजे तक। सेक्रेट स्किल अपोलो शिक्षा समिति, राधिका कॉम्प्लेक्स, MG रोड, पंजाब नेशनल बैंक के पास, देवास। अग्रवाल जूनियर कॉलेज अब बन चुका है मां शारदा इंटरनेशनल एकेडमी।
ज्ञान के उज्जवल प्रकाश में पढ़ते हंसते खेलते बढ़ते मंजिल की ओर थामे संस्कारों की डोर। माँ शारदा इंटरनेशनल एकेडमी, शिक्षा के साथ संपूर्ण विकास, कुछ अलग कुछ खास। माँ शारदा इंटरनेशनल एकेडमी, बाईपास चौराहा उज्जैन रोड देवास। अल्प विराम के पश्चात एसआर के लोकप्रिय कार्यक्रम स्कूल टॉपर्स अवार्ड में आपका पुनः स्वागत है। आइए सबसे पहले चलते हैं विंध्याचल एकेडमी से बायो विषय के स्कूल टॉपर अनिकेत गौर के घर। सीजी ट्यूटोरियल्स प्रेजेंट स्कूल टॉपर्स अवार्ड के अंतर्गत अब हम आप पहुंचे हैं मिश्रा नगर स्थित विंध्याचल एकेडमी के बायो टॉपर अनिकेत गौर के घर पर। आइए चलते हैं, मिलते हैं अनिकेत गौर से। अनिकेत, आपको बहुत बहुत बधाई हो, बैठिए। अनिकेत, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम अनिकेत गौर है, मैं निश्चल नगर का निवासी हूँ। मैं 12th विंध्याचल बायो सब्जेक्ट से 93.4% स्कोर करे हैं। ये मेरे रिस्पेक्टेड फादर हैं मिस्टर हरिशंकर गौर, मेरी मदर हैं मीना देवी गौर, और ये मेरा छोटा भाई अनिमेश गौर। 93.4 अंक लाने में बहुत मेहनत करना पड़ती है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं स्कूल की। तो स्कूल फैकल्टीज का किस प्रकार से सहयोग रहा? मैं मतलब विंध्याचल स्कूल में पढ़ता था, वहाँ पे मतलब सभी फैकल्टी थी, जो स्टूडेंट मतलब जो मेन सब्जेक्ट पढ़ाते थे उनके साथ साथ जो को करिकुलर एक्टिविटीज के स्टूडेंट्स टीचर्स थे उन्हें भी कंटिन्यूसली सपोर्ट करा, गाइड करा। हमारी क्लास टीचर थी मिनल मैम, हमारे जो कि वहाँ केमिस्ट्री पढ़ाती थी, आर के सर बायो सब्जेक्ट के टीचर थे, और कंटक सर जिन्हें हमें फिजिक्स पढ़ाया, और साथ ही साथ हिंदी की मैम हमारी मिनल मैम, और एल एन सर जिन्हें हमें इंग्लिश पढ़ाया, जिनके कारण कंटिन्यूसली गाइडेंस दिया उन्होंने, मोरल सपोर्ट दिया, जिस मतलब किसी भी स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल करी उन्होंने, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज में भी ध्यान दिया। बाद में यदि एक्स्ट्रा टाइम यदि आपको गाइडेंस की जरूरत थी या किसी टॉपिक में डाउट था तो उन्होंने मतलब बाद में रुक कर भी गाइड करा, क्लास में भी पर्टिकुलर ध्यान देगा सभी स्टूडेंट पे। अंकित, आप किसी कोचिंग भी जाते थे? हाँ, मैं सीजी ट्यूटोरियल जाता था। तो अब सीजी ट्यूटोरियल आप जाते थे, तो सीजी ट्यूटोरियल के बारे में कुछ डिस्क्राइब करेंगे आप? सर, सीजी ट्यूटोरियल के डायरेक्टर थे हमारे आशीष सर जी गुप्ता, उन्होंने मतलब कंटिन्यूअसली मुझे सपोर्ट करा, गाइड करा, किसी भी स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती थी या स्टडी पैकेज की जरूरत थी वो एट अ टाइम देते थे। बाद में भी ग्रुप डिस्कशन होता था हमारा, मतलब टॉपिक्स पे कुछ जो मेन मेन टॉपिक्स है उनको सर ने कंटिन्यूअसली 3 से 4 बार तक पढ़ाया हमको, और फिर उसके बाद भी हमारे जो बायो मैम थे हमारी वर्षा पाटिल मैम, और फिजिक्स के टीचर्स थे आलोक पांडे सर, उनका भी कंटिन्यूअसली मोरल सपोर्ट रहा, गाइडेंस दिया उन्होंने, और किसी भी टाइम पे भी डाउट रहता तो बाद में भी ना सिर्फ इंस्टीट्यूट के थ्रू डायरेक्टली एक एज अ फैमिली मेंबर की तरह उन्होंने सपोर्ट करा मुझे। अपन जैसे बात सीजी ट्यूटोरियल की कर रहे हैं, तो सीजी ट्यूटोरियल पे जैसे आपने जो सपोर्ट मिला उसके बारे में डिस्क्राइब किया, लेकिन एक अच्छे अंक आपने जो प्राप्त करे हैं उसमें उन्होंने आपको किस प्रकार से मोटिवेट किया? सर, जो हमारे डायरेक्टर थे फैकल्टी थे वो कंटिन्यूअसली हर 3-4 दिन के बाद मतलब मोटिवेट करने के लिए हमारे लिए अलग से स्पेशल लेक्चर्स रहते थे। हर मतलब जैसे भी 3-4 दिन का जो टॉपिक होता उसके कंटिन्यूअसली रिवाइज टेस्ट होते, ग्रुप डिस्कशन होता, फिर उसके बाद भी यदि किसी भी टॉपिक की जरूरत होती तो उसका डिस्कशन होता, फिर उसके बाद भी सर कंटिन्यूअसली हर नई नई एग्जामों के बारे में बताते थे, जो टॉपिक्स हैं उनके लिए एक्स्ट्रा मटेरियल कहाँ से कलेक्ट करना चाहिए, आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए उस टॉपिक के बारे में, क्या क्या इम्पॉर्टेंट है, क्या आपको आगे बेनिफिट करेगा, सब चीज़ें उन्होंने बताई, मोरल सपोर्ट रहा, और जिस समय भी जरूरत थी पढ़ाई की उन्होंने अलग से एक्स्ट्रा क्लासेस अरेंज करवाई, लॉन्ग क्लासेस अरेंज करवाई संडे के दिन भी, और डेली भी क्लास टाइम के अलावा भी डेली यदि आपको कुछ डाउट हो तो आप रुक के आराम से पूछ सकते थे, उन्होंने कभी मना नहीं करा किसी बात के लिए, हर लाइब्रेरी फैसिलिटी थी, तो इस कारण जो भी बुक्स की जरूरत पड़ती थी जिस टाइम पे भी आप वहाँ जाके स्टडी कर सकते थे, एक्स्ट्रा टाइम में भी यदि आप शाम को है या मॉर्निंग में आप वहाँ जाके पढ़ाई कर सकते थे, उसकी कोई दिक्कत नहीं थी। अनिकेत की जो उपलब्धि मिली है आपको उस पर कैसा महसूस कर रहे हैं आप? उसमें मेरे को बहुत खुशी है क्योंकि मैं बाहर रहता हूँ, और बाहर रहने के बाद भी अगर बच्चे ने इतने अंक प्राप्त किए हैं तो मेरे लिए गौरव की बात। सर, आप करते क्या सर? मैं रुचि सोया गुना में असिस्टेंट मैनेजर कमर्शियल हूँ, और कमर्शियल वर्क है मेरा वहाँ पे। आप अनिकेत से क्या अपेक्षा रखते हैं? अनिकेत से यही है कि जैसे मैं भटक रहा हूँ इधर उधर और वो नहीं भटके, कि उसका जैसे मेरा तो क्या है कि प्राइवेट जॉब है वो पर्सनल
कुछ भी करे इससे कि परिवार के साथ में रहे, पापा अलग रह रहे हैं तो उनको ऐसी स्थिति डेवलप नहीं हो आगे भविष्य में। मेरी यही उससे इच्छा है कि वो साथ में रहे पूरे परिवार के साथ और आगे अच्छा अपना फ्यूचर बनाए। ठीक सर, धन्यवाद आपका। अनिकेत की मम्मी जी भी हमारे साथ है, नमस्ते। मैम, अनिकेत की जो उपलब्धि है, पापा तो बहुत भावुक हो गए, आप भी अपने शब्दों को हमारे सामने प्रस्तुत करें। बहुत मेहनत करी, मतलब इस पे आने के लिए इसने मतलब 4-4 घंटे 6-6 घंटे पढ़ाई करता, रात को भी 12-12 1-1 बजे तक, सुबह भी 4 बजे उठना, कभी 5 बजे उठना, मतलब काफी मेहनत करी इस यहाँ तक आने के लिए इसमें। अच्छा, ये जैसे अनिकेत के पापा तो हफ्ते में एक दिन आते थे, पूरा टाइम अनिकेत आपके पास रहता था, तो आप उसको किस प्रकार गाइड करती थी, किस प्रकार उसको मोरल सपोर्ट देती थी? सर, मैं मतलब हाउस वाइफ हूँ, मतलब मेरे से जो बन सकता मैंने किया। अच्छा, एक चीज बताए, अनिकेत को पढ़ने के लिए बोलना पड़ता था या खुद मन से पढ़ लेता था? नहीं नहीं, कोई बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी इसको, ये अपने आप ही पढ़ लेता था। मतलब स्कूल से आने के बाद में, कोचिंग से आने के बाद में जो टाइम मिलता उसमें घर पे है तो अपने हमको बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि तुमको ये पढ़ना है ये करना है। अच्छा। पढ़ाई के लिए हमको मतलब शुरुआत से इसको प्रेरित नहीं करना पड़ा कि भाई तुम ये पढ़ो ये लो, जो इसकी इच्छा हुई वो सब्जेक्ट लिया, जो मतलब बस हम लोग तो ये है कि चीजें उपलब्ध करवा सकते हैं कि भाई ये कमी है तो ये ला दो या कुछ बुक चाहिए वगैरह, बस। मतलब कुल मिला के अनिकेत जो है सेल्फ मोटिवेटेड रहा है। और मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अनिकेत को आप क्या बनते हुए देखना चाहती हैं? सर, मेरी तो इच्छा है कि ये डॉक्टर बने। ऐसा, चलिए अनिकेत के पास वापस आते हैं। अनिकेत, मम्मी बोल रही डॉक्टर बनाना चाहती है, पापा बोल रहे कि कोई ऐसी जॉब करो कि आप घर परिवार के साथ रहो, आपको मतलब इधर उधर भटकना नहीं पड़े। तो हम भी आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि 12th आपने बहुत अच्छे नंबरों से पास की है, भविष्य का एम आप बताएं। सर, मेरा टारगेट है, अभी AIPMT के एग्जाम दिए मैंने, उससे सिलेक्ट होके मैं एक MBBS डॉक्टर बनूं। मेरा एम है न्यूरो सर्जन बनने का और मैं चाहता हूं कि मैं इस फील्ड में बहुत आगे तक जाऊं। तो आप भैया स्कूल टॉपर बने हैं, इनके फोटो भी अखबार में छपे हैं, होर्डिंग में भी लगे और आज हम इंटरव्यू लेने भी आए हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या आपको लगता है कि आप भी कुछ अपने एजुकेशन में ऐसा काम करो जो आपके भी फोटो अखबार में छपे, होर्डिंग में छपे और हम जैसे लोग फिर आपका इंटरव्यू लेने आए? हाँ। ऐसा, हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को भी आपके वो सूत्र शेयर करें ताकि दूसरे और जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी उससे सीख सके। मेरा एम मतलब मेरा जो टॉपिक पढ़ाई करने का तरीका था, सबसे ज्यादा मेरा ये था कि जो भी टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं या स्टडी करने वाले हैं उससे टॉपिक से फेमिलियर हो पहले। मतलब जैसे आपको पता रहता है, आज सिलेबस ऐसा फिक्स्ड हो चुका है स्कूल या कोचिंग का कि मतलब पता रहता है अपने वो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो अपन क्या मतलब जैसे ही अपने मालूम है टॉपिक है तो जैसे मॉर्निंग में आपको 15-20 मिनट का टाइम मिलता है तो उस टाइम में सिर्फ एक बार देख लो कि उस टॉपिक में मतलब क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है, और फिर जैसे टॉपिक कहीं पर भी कंप्लीट होता तो उसको उस दिन छोड़ के 3-4 दिन बाद रिवाइज करो, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ताकि क्वेश्चन फैमिलियर हो, जितने ज्यादा रहेंगे उतना एग्जाम में सपोर्ट रहेगा। अनिकेत, एक चीज और हम आपसे जानना चाह रहे हैं, आपने बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की, आप अपनी इस सफलता का श्रेय किन्हें देना चाहेंगे? आप मैं मेरी सफलता का श्रेय मेरे माता पिता, मेरे स्कूल फैकल्टी, मेरी कोचिंग फैकल्टी सभी को देना चाहता हूँ। SR केवल को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, ये समय चक्र जो प्रोग्राम बनाया है, सभी स्कूलों के बच्चों के जो स्कूल जो टॉपर बच्चे जो हैं उनके लिए जो चल रहा है प्रोग्राम बहुत अच्छा है, हम लोग निरंतर देखते हैं इसको, देखने के बाद ऐसा लगता है कि मतलब जो बच्चे प्रतिभावान है उनको आप लोग दिखा रहे हो, इससे अच्छा है और बच्चों को प्रोत्साहन मिले कि भाई हम लोग भी मतलब अच्छी पढ़ाई करें या अच्छी मेहनत करें तो हम लोगों का भी ऐसा थोड़ा सा विस्तार हो, लोग देखें, बहुत अच्छा लगता है। SR केवल का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अनिकेत गौर, विंध्याचल एकेडमी के स्कूल टॉपर। दर्शकों से मेरा यही निवेदन है कि अनिकेत गौर ने या हमारे दूसरे जो अन्य स्कूल टॉपर्स ने आपको जो टिप्स देते हैं उनका ध्यान रखें, उनका पालन करें तो आप भी एक दिन स्कूल टॉपर्स बन सकते हैं। ऐसे ही देवास के और अन्य स्कूल टॉपर से मिलवाने के लिए चलते हैं किसी अन्य टॉपर के घर। कैसा लगा आपको अनिकेत गौर और उनके पेरेंट्स से मिलकर? हो गए ना आप भी भावुक?
ऐसे ही मीठे अनुभवों से युक्त है स्कूल टॉपर्स का यह कार्यक्रम। अब फिर समय हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको लेकर चल रहे हैं 10वीं की स्कूल टॉपर अर्चना शर्मा के घर। विगत 14 वर्षों से इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और फार्मेसी के क्षेत्र में शिखर को छू रहे MIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स ने हजारों युवाओं के सपनों को साकार किया है। 75 एकड़ में प्राकृतिक हरितिमा से युक्त MIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स में कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग के साथ MCA, MBA, BPharma और MPharma कोर्सेज उपलब्ध हैं। MIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स में विद्यार्थियों को मिलती हैं वर्ल्ड क्लास कंप्यूटर लैब्स, फार्मास्यूटिकल लैब्स, इंजीनियरिंग वर्कशॉप, स्मार्ट क्लासेस, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइब्रेरीज, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस हॉल, और इसी के साथ कन्वीनियंट ट्रांसपोर्टेशन, सुविधाजनक होस्टल रूम्स, सात्विक आहार कैंटीन, बैंक ATM फैसिलिटी, डिस्पेंसरी, स्टेशनरी शॉप और उच्च स्तरीय स्पोर्टिंग फैसिलिटी। MIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स में हाईली रिसोर्सफुल ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल है, जिसका विश्व विख्यात बहुराष्ट्रीय कंपनियों से जीवंत संपर्क है, और इसी के कारण महाकाल ग्रुप के हजारों विद्यार्थी देश विदेश में महाकाल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स का नाम शिखर पर ले जा रहे हैं। महाकाल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स के एंटी रैगिंग कैंपस में कैरियर मेंटोरिंग सेल, सॉफ्टवेयर सेल, विमेन एम्पावरमेंट सेल, इंग्लिश फोरम, स्टूडेंट काउंसिल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल और IIT मुंबई रिमोट सेंटर है, जो विद्यार्थियों को आज के प्रतिस्पर्धात्मक युग में सदैव आगे रहने के लिए तैयार करता है। महाकाल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स में है प्रतिभाओं के लिए प्लेटफॉर्म, टेक्निकल टैलेंट्स के लिए टेक्नोकुंभ, तो आर्टिस्ट्स के लिए कल्चरल एंड लिटररी एक्टिविटीज। MIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स अर्थात असीम और अनंत संभावनाओं का आकाश, जहां विद्यार्थियों की महत्वाकांक्षाएं और स्वप्न बदलते हैं हकीकत में। गिव अ बूस्ट टू द क्रिएटिविटी ऑफ योर चाइल्ड एट BPS किड्स। सन 2007 से संचालित नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के BPS किड्स में मॉन्टेसरी तथा इंडक्टिव मेथड द्वारा आपके लाडलों को परिपूर्ण शिक्षण के साथ ही मिलता है डांस, म्यूजिक, ड्राइंग, मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए प्रवेश प्रारंभ। नर्सरी एवं प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स हेतु भी प्रवेश प्रारंभ। BPS किड्स, आज अनुकूल नगर, देवास। अब हम आपको लेकर चल रहे हैं लक्ष्मण नगर, जहां रहती हैं सरस्वती ज्ञानपीठ स्कूल की 10वीं की स्कूल टॉपर अर्चना शर्मा। चक्र स्कूल टॉपर अवार्ड्स में अब हम आए हैं लक्ष्मण नगर। यहाँ पर हम मिलने वाले हैं अर्चना शर्मा से, जो कि सरस्वती ज्ञानपीठ की 10th क्लास की टॉपर हैं। तो आइए चलते हैं अर्चना के घर और मिलते हैं अर्चना से। ओके अर्चना, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत सारी बधाइयाँ। थैंक यू। ओके एंड आप सभी लोगों को अर्चना की इस उपलब्धि पर समय चक्र स्कूल टॉपर अवार्ड्स की पूरी टीम की तरफ से शुभकामनाएं। अर्चना, सबसे पहले दर्शकों को अपने बारे में बताइए। जी, मेरा नाम अर्चना शर्मा है, मैं सरस्वती ज्ञानपीठ स्कूल में पढ़ती हूँ। ये मेरे पेरेंट्स हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी टू गेट अ 89% मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। दैट्स वेरी नाइस। एंड अर्चना, आप अब अपने स्कूल के बारे में बताइए। सरस्वती ज्ञानपीठ में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर आपको कैसा सपोर्ट मिला? प्रिंसिपल सर और जितना भी स्टाफ था, उन्होंने आपको कैसे कोऑर्डिनेट किया? बहुत ज़्यादा उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। हमारे डायरेक्टर सर PN तिवारी सर, प्रिंसिपल मैम सुषमा निगम मैडम, मेहता मैडम और पवार सर, एवरीबडी, ऑल स्टाफ ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। और हमारे डायरेक्टर सर ने
मेरी मतलब मेरी नहीं पूरे स्कूल के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस अरेंज की थी जिसमें हम लोगों को उन्होंने खुद पढ़ाया अपने इतने बिजी शेड्यूल से उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला, हमारे लिए पढ़ाया, 2 घंटे एक्स्ट्रा क्लासेस लगवाई बस। अर्चना, इसके अलावा आप कहीं पे कोचिंग जाते थे? नहीं, मैंने कहीं कोचिंग नहीं किया, सेल्फ स्टडी की है। ओके, स्कूल स्टडीज और सेल्फ स्टडीज से आपने 89% बनाए हैं, वेरी नाइस। अर्चना, इसके अलावा अपने परिवार के बारे में बताइए प्लीज। मेरी फैमिली, ये मेरी मम्मा है और पापा, इन लोगों ने भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है मेरे लिए। मेरे पापा प्लम्बर हैं और उन्होंने मुझे एक्चुअली उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। मेरी मम्मा ने भी बहुत किया है, वो मेरे लिए बहुत मतलब उन्होंने मुझे कभी काम नहीं करने दिया। मैंने एग्जाम में बिल्कुल अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया था, काम तो मेरी दी और मेरे मम्मा ने संभाला था, बाहर मेरे पापा ने भी मेरे फीस के लिए और बहुत कुछ सपोर्ट किया मुझे, सारी बुक्स अरेंज करके दी जो मुझे चाहिए था पढ़ने के लिए, वो सब ला कर दिया उन्होंने मुझे। दैट्स वेरी नाइस, फैमिली का सपोर्ट होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बिना तो कोई कुछ नहीं कर सकता। अर्चना, इसके अलावा ये बताइए कि आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगी और क्यों? बिल्कुल अपने मम्मी पापा को ही दूंगी और अपने टीचर्स को भी दूंगी, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया था, और सबसे पहले तो इन्हीं को दूंगी ना। जी बिल्कुल, मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया था, टीचर्स ने किया था, फ्रेंड्स वो भी हमेशा मेरे साथ रहते थे। okay. मेरी पढ़ाई के लिए उन लोगों ने भी बहुत हेल्प की थी मेरी। अब आपको मिलवाते हैं अर्चना के पिताजी से। सर नमस्कार, प्लीज अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। मैं केवल प्लम्बर का काम करता हूँ और बड़ी मेहनत से बच्चों को पढ़ाता हूँ। मेरे पास कोई नौकरी नहीं है, केवल यही काम है मेरा। सर आपका शुभ नाम? प्रभुलाल शर्मा। जी सर, जैसे अर्चना ने आपके बारे में ऑलरेडी इतनी सारी बातें की, आपके बारे में, उनकी मम्मी के बारे में, कि किस तरीके से सपोर्ट किया, आपके नजरिए से आप अर्चना के बारे में बताइए हम दर्शकों को, क्योंकि हम अनभिज्ञ हैं, तो अर्चना आपके नजरिए से क्या है? बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत अच्छी पढ़ाई करती है, रात बेरात टाइम टू टाइम बिल्कुल इसका है, स्कूल कभी अब्सेंट नहीं लगाया इसने, स्कूल में भी ट्यूशन करी, घर आके भी रात रात तक उसने पढ़ाई करी, जब जाके टॉप पे आई, पढ़ाई के लिए बिल्कुल डेडिकेटेड। डेडिकेटेड है सर। जैसे सर अर्चना आगे MBA करना चाहती हैं तो आपका पूरा सपोर्ट साथ रहेगा, चाहे कुछ भी कुछ भी हो जाए हम पूरा सपोर्ट देंगे उसके लिए। आइए आप सभी को अर्चना की मम्मी से मिलवाते हैं। जी मैम, आपका शुभ नाम? विद्या शर्मा। मैम, कैसा लग रहा है आपको अर्चना की उपलब्धि पर? बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ कहना चाहेंगे आप अर्चना के लिए? हाँ, यही कि अच्छा पढ़ना चाहिए, माँ बाप की अच्छी थोड़ी आगे तक सोचना कराना चाहिए। अब अर्चना जैसे बच्चे हैं तो फिर जरूर माँ बाप का नाम तो रोशन होगा ही। चलिए आपकी बात करवाते हैं अर्चना की सिस्टर से। हेलो, आपका नाम? भावना शर्मा। जी आप क्या करते हैं? मैं BCom कर रही हूँ। आप BCom कर रहे हैं, ओके। आपकी छोटी सिस्टर इस अचीवमेंट पर है, स्कूल की टॉपर है 89% से, कैसा लग रहा है आपका? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे अर्चना के लिए? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही वो पढ़ाई करे। और अर्चना, और किसी चीज में आप इंटरेस्ट नहीं रखते? ड्रॉइंग और डांस, कोई एक्टिविटी नहीं, सिर्फ बुक्स आपकी फेवरेट फ्रेंड्स है? रीडिंग बहुत पसंद है। ओके, जिसकी मित्र ही बुक्स हो उसको तो बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। चलिए आपकी बात करवाते हैं अर्चना के ब्रदर से। हेलो, क्या नाम है आपका? अभिषेक शर्मा। ओके अभिषेक, कौन सी क्लास में है आप? 8th में है। ओके, 2 साल बाद फिर हम आपसे मिलने आएंगे टॉपर। ओके, हमारे बेस्ट विशेस आपके साथ है। आप अर्चना के लिए क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, वो बस। अर्चना, कोई स्टूडेंट है जो टॉपर आना चाहता है तो आप उसे सफलता का सूत्र क्या बताएंगे? यही कि जो टीचर्स कहें बिल्कुल वही पढ़ाई करो, अपने अपने टाइम में से भी थोड़ा करेज करके, कम से कम स्कूल के बाद भी 8 घंटे तो पढ़ो ही पढ़ो अपने टाइम निकाल के। एक्चुअली मेरी तो वो हॉबी है रीडिंग, पर बाकी के लिए भी मैं यही बोलूंगी। अभी आप मिले अर्चना शर्मा से, जो कि सरस्वती ज्ञानपीठ स्कूल की 10th क्लास की टॉपर है। तो आइए चलते हैं किसी और टॉपर के घर। कहते हैं परिस्थितियां कैसी भी हों, आपको पढ़ने की लगन होनी चाहिए, और यही लगन आपको अपने स्कूल का टॉपर बनाने में सहायक होती है, और यही लगन हमें अर्चना शर्मा में दिखाई दी है। अर्चना शर्मा के बाद आपको लेकर चलेंगे प्रिंसी पटेल के घर, किंतु
छोटे से ब्रेक के बाद। A pioneer, a trendsetter, and a global leader and presence in over 15 countries. We at Arena have always delivered world-class quality, competence, and consistency in our offerings. And offer industry-relevant courses in animation and multimedia to students aspiring for global careers in this new age industry. We train students as well as professionals in the latest industry-relevant courses backed by alliances with world leaders, a world-class faculty, and the latest technical educational tools. Our range of courses comprise training in areas such as animation, graphics, gaming, web and interactive multimedia, among others. For opportunities in industries like advertising, entertainment, print and publishing, designing, and internet. Arena students are also offered 100% placement assistance. Arena Animation, first floor, Diamond Tower, near HDFC Bank, Ramnagar, AB Road, Devas. Phone number 9826028845. Verma Classes, जहां टॉपर्स तराशे जाते हैं। निरंतर 30 वर्षों से एमपी बोर्ड 10th एंड 12th के स्टेट टॉपर्स हो या डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स या फिर हो स्कूल टॉपर्स, यह सभी होते हैं वर्मा क्लासेस के स्टूडेंट। 9th टू 12th एवं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियों के लिए एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स का एक ही डेस्टिनेशन वर्मा क्लासेस, 47 सुतार बाखल, देवास। फोन 222571, मोबाइल 9425050001। स्कूल टॉपर्स की मेहनत और सफलता को आप सभी को सामने लाने का हमारा प्रयास अब एक जुनून बन चुका है, क्योंकि हमने इस कार्यक्रम में कभी यह नहीं सोचा कि स्कूल टॉपर्स कहाँ रहते हैं। हमने तो बस यही सोचा है कि हम इन स्कूल टॉपर्स तक कैसे पहुंच सकते हैं। हमारे जुनून की इसी कड़ी में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं शिप्रा में रहने वाली प्रिंसी पटेल से, जो देवास के न्यू चिल्ड्रंस होम स्कूल की बायो की टॉपर है। तो आइए चलिए मिलते हैं प्रिंसी पटेल से। सीजी ट्यूटोरियल प्रेजेंट समय चक्र स्कूल टॉपर्स अवार्ड के अंतर्गत अब हम आ चुके हैं न्यू चिल्ड्रन होम की स्कूल टॉपर्स प्रिंसी पटेल के घर, जो कि रहती है शिप्रा में। आइए मिलते हैं प्रिंसी पटेल से। प्रिंसी, कांग्रेचुलेशन आपको। सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं। माय सेल्फ प्रिंसी पटेल, आई लिव इन शिप्रा एंड आई हैव बीन स्टडीइंग इन न्यू चिल्ड्रन होम स्कूल। आई एम वेरी हैप्पी टुडे एज आई हैव सिक्योर्ड 84% इन माय 12th। आई एम इन बायो एंड आई एम इन सेकेंड इन माय स्कूल एंड 93 marks इन बायो। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। आपके परिवार के बारे में कुछ बताएं प्रिंसी। My father, he's a teacher, and my mother too. They both have been supporting me for my 12th class. My mother herself taught me, and my father too. I'm very thankful to them. अच्छा, प्रिंसी, हम ये पूछना चाह रहे हैं, आपने न्यू चिल्ड्रन होम से 12th में टॉपर किया है, तो स्कूल जो स्टाफ है, स्कूल का जो टीचिंग स्टाफ है, आपको किस टाइप से हेल्पफुल रहा, थोड़ा सा वो डिस्क्राइब कीजिए प्लीज। मेरे स्कूल के सभी टीचर्स मेरी बहुत हेल्प करते थे डाउट क्लियरिंग, एंड स्पेशली द डायरेक्टर मैम हरसेल्फ, शी सपोर्टेड मी कम्प्लीटली फॉर इट। सर, ये बताएं कि प्रिंसी की जो उपलब्धि है, कैसा क्या फील कर रहे हैं आप? सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज बालिका ने इतनी मेहनत की हो रही है, और नाइट में भी अक्सर पढ़ाई करती रहती, पूरे समय इसका पढ़ाई में ध्यान रहता था, और मैं बहुत इसे प्रसन्न हूँ सर। तो आपको ये आशा थी कि प्रिंसी अपने स्कूल में टॉप करेगी? सर, मुझे आशा थी, और इससे ज्यादा भी और मार्क्स आने की उम्मीद थी, पर कुछ सब्जेक्ट में ऐसा लगा कि जो आने की मार्क्स आने की उम्मीद थी उतने मार्क्स नहीं मिल पाए सर। वैसे आप क्या काम करते हैं? मैं सर टीचर हूँ, छिपरा के अंदर अपने गवर्नमेंट टीचर हूँ वहीं पास में, और बच्चों को मिडिल स्कूल में पढ़ाता हूँ सर। अच्छा, अब जैसे प्रिंसी ने 12th पास कर लिया, आगे आप उसके भविष्य के लिए क्या रूपरेखा तैयार करना चाहते हैं अपने हिसाब से? इसको MBBS AIPMT दिलवाई है, तो उसमें आशा है कि इसका सिलेक्शन होने के पूरे चांस है। इसके बाद इसको जनरल नर्सिंग होम एग्जाम दिलाई है, फिर एम्स भी दिलाई है, तो इसे किसी एग्जाम में सिलेक्शन होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आप बताएं भाभी जी, कि प्रिंसी की इस उपलब्धि पे कैसी खुशी महसूस कर रही हैं आप? जी, खुशी तो बहुत हुई, क्योंकि उसने मेहनत और अपनी लगन से, और उसका भी ये था सपना कि मम्मी पापा का भी ये सपना है, तो उसको भी पूरा करूं,
और उसने ये करके दिखाया और उसको भी उम्मीद थी कि इससे ज्यादा मुझे मार्क्स मिलेंगे मगर थोड़े कम मिल पाए, मगर फिर भी हम लोग बहुत खुश है कि उसने अपने बल पर स्कूल ने बहुत सपोर्ट किया और यहाँ तक वो पहुंची और आगे जाकर वो ऐसी उपलब्धियां हासिल करती रही। ये बताएं कि प्रिंसी आपको कुछ घर में हेल्प करती थी? हाँ करती थी, वो कभी कभी जैसे पढ़ती रहती फिर कहती मम्मा मैं किचन में हाथ बटा दूं या और भी थोड़ा दूसरा ऐसा, तो हम मना करते थे बेटा नहीं आप पढ़ाई पे ध्यान दो, तो कहती नहीं मम्मा थोड़ा बहुत आपको भी काम करते देख मेरी भी इच्छा होती है कि मैं ये भी थोड़ा सीखूं क्योंकि लड़की हूं, तो वो मदद तो बहुत मतलब उसकी इच्छा रहती थी कि मैं मम्मी की मदद करूं। अच्छा ये तो आपकी घर के काम में हेल्प करवाने का कोशिश करती थी, आप इसकी पढ़ाई में किस प्रकार से हेल्प करती थी? इसकी पढ़ाई के लिए जब भी जैसा उसको सपोर्ट लगता था हम लोग बराबर उसका सहयोग करते थे, मगर इतना नहीं कर पाते थे क्योंकि हम दोनों ही गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो उतनी हेल्प हम लोग कम कर पाते थे क्योंकि हमारा अक्सर बाहर रहना ज्यादा होता था, स्कूल जाना आना, फिर हम लोग भी थक जाते, मगर जहां तक कोशिश होती हम लोग भी उसका पूरा सपोर्ट करते थे। प्रिंसी ये बताएं आपकी जैसे पापा बोल रहे हैं कि पापा आपको MBBS करवाना चाहते हैं या अभी AIPMT की एग्जाम दी है, आपका फोकस किस फील्ड की ओर है? मेरा बचपन से डॉक्टर बनने का सपना है, थर्ड क्लास से कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहती हूँ, तो 12th बोर्ड पर मैंने इतना फोकस नहीं किया, हमेशा से ही ब्रेन मास्टर्स क्लासेस मैंने ज्वाइन किए थे अपने IPMT के लिए एंड वहाँ मैंने क्वालिफाइड तो कर लिया है और मेरिट के बेसिस पे अब बस कॉलेज मिलना बाकी है। आपके छोटे भाई क्या नाम आपका? माय नेम इज आयुष पटेल। कौन सी क्लास में पढ़ते बेटे आप? सिक्स्थ में। दीदी स्कूल की टॉपर बनी, कैसा लग रहा है आपको? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। आप ये दीदी की जो सफलता मिली है उसको आप कैसे ले रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आपको भी अपने स्कूल में टॉप आना चाहिए या आप आते रहे हैं? मुझको लगता है कि मुझे भी मेरे स्कूल में टॉप आना चाहिए। चलिए बधाई हो आपको। और प्रिंसी हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, जैसे आपके पापा की सोच है, मम्मी की सोच है और आपकी खुद की सोच है कि आप कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहती है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू। समय चक्र स्कूल टॉपर्स में अभी आप मिले हैं न्यू चिल्ड्रन होम स्कूल की स्कूल टॉपर प्रिंसी पटेल से। ऐसे ही और भी स्कूल टॉपर से आपको हम लगातार मिलवाते रहेंगे। नमस्कार। तो कैसा लगा आपको हमारे आज के इन तीनों टॉपर्स से मिलकर? स्कूल टॉपर्स के इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम हर उस स्कूल टॉपर से मिलवाएं जिन्होंने अपनी मेहनत तथा लगन के बल पर अपने स्कूल में टॉप किया है। हमारा यह प्रयास तो निरंतर जारी है, परंतु आप सभी दर्शकों के विचार हमारे इस प्रयास में एक नई ऊर्जा का संचार कर देते हैं, तो हमें अपने विचार पहुंचाते रहें इन नंबर्स पर।